जो तीन कानून इस सरकार ने निकाले हैं उनका सार तो आप जानते ही होंगे। पहला कानून कि प्राइवेट मंडियां लगेंगी और सरकारी मंडियों में जो टैक्स लिया जाता है वो प्राइवेट मंडियों में नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आस्ते आस्ते सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी और आप सब जानते हैं कि सरकारी मंडियों की खासियत ये है कि आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है, कि कोई भी कहीं से भी आकर आपको ये नहीं कह सकता कि आपको कम दाम पे आपसे खरीदेगा। प्राइवेट मंडियों के खुलने से और उनको मजबूत बनाने से क्या होगा? बड़े बड़े खरबपतियों की मनमानी होगी, जो दाम चाहते हैं वही देंगे, जब खरीदना चाहते हैं तभी खरीदेंगे, जब बेचना चाहते हैं तभी बेचेंगे। दूसरे कानून में लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके गांव में, आपके जिले में आकर बड़े बड़े खरबपति आपके साथ एक सौदा कर सकते हैं कि देखिए आप 10 लोग हैं, आप हमारे लिए गन्ना उगाइए, जब गन्ना उग जाएगा हम आपको इसके लिए 500 रुपए देंगे। लेकिन जब आप उसको उगाएंगे तो अगर उस खरबपति का मन हो तो वो आपसे कह सकता है कि ना मैं आपको 500 रुपए दूंगा और ना मैं आपका गन्ना चाहता हूं। उसको कहने की अनुमति है, वो कुछ भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि इस कानून के तहत आपकी कोई सुनवाई नहीं है। अगर आप अदालत में जाना चाहेंगे, उसकी शिकायत करना चाहेंगे, तो आप सिर्फ SDM के पास जा सकते हैं और उनके ऊपर जो एक अधिकारी है उनके पास जा सकते हैं, लेकिन आप अदालत नहीं जा सकते, आप अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते। ये लिखा है उस कानून में। तो आप सोच सकते हैं कि एक तरफ आप और आपकी छोटी सी खेती और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के बड़े बड़े खरबपति मित्र, आप बताइए किसकी सुनवाई होगी? ये जो नए कानून बनाए गए हैं, इन कानूनों के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म होगा, सरकारी मंडियां खत्म होगी, आपके हक खत्म होंगे।